लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, बाइक की टंकी कर दो फुल। वेरी गुड। हाँ कैमरा है। ओह रिकॉर्डिंग तो चलती रहती है हमेशा। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 7 एंड तुम्हारा भाई गियर शर्ट पहन के रेडी हो चुका है संडे राइड पर जाने के लिए। बाकी यहाँ ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, आप लोगों को सीधा मिलता हूँ मैं बाइक पे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, राइड सेफ रखना। गाइस यार अभी हम लोग टोटल 6 जने हैं एंड हम लोगों को अभी जाने हैं किसी पतले या फिर पतगांव, पता नहीं क्या है, मतलब मेरे घर से 10-15 किलोमीटर दूर है और यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोगों को 24 किलोमीटर की राइड करके जाना है यहाँ से सीधा उस जगह पर। आई गेस ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे होगी। यहाँ से भी नहीं आ पाएगी यार, वहाँ पे वो नहीं है, पत्थर लगा हुआ है। रुक जा। अरे बड़े प्यार से ले गए भाई, मेरी बारी है गाइस, लेट्स गो। ओ भाई चढ़ गई। तो भाइयों और उनकी बहनों, नॉट माय बहनों, जस्ट किडिंग गाइस, अभी तुम्हारा भाई आ रखा है एक जगह पे जो कि मेरे घर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ पे गाड़ी का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अंटिल अनलेस आप आगे वाले रास्ते से ना हो। भाई जिसको कहते हैं ना थकावट, बॉडी शॉडी बन रही यार तुम्हारे भाई की, है ना, लग रहा है ना, कमेंट करके बता दिया करो यार, बीच बीच में थोड़ी मोटिवेशन आती है। हाँ मैं क्या कह रहा था, जिसको कहते हैं ना थकावट, भाई वो हो गई है। अभी बज रहे दोपहर के 1 एंड अब जाके मैं घर आया, अब सीधा सोऊंगा एंड कल या फिर आज शाम को ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा ये वाला। तो जस्ट अभी मेरे पास KTM से फोन आया एंड तुम्हारा भाई हबड़ा दबड़ी में निकल चुका है KTM के शोरूम की तरफ, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई आज तुम्हारी बाइक की सर्विस की लास्ट डेट है, अगर तुमने नहीं करवाई तो तुम्हारी वारंटी खत्म हो जाएगी बाइक की। मतलब कि तुम्हारी जो पहली 5-7 सर्विस होती है वो तुम लोगों को जो डेट के अंदर करवानी पड़ती है, अगर तुमने नहीं करवाई तो बाइक की वारंटी खत्म हो जाती है। एंड इन फ्यूचर बाइक में कोई दिक्कत आ गई तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी एक सर्विस की वजह से, वैसे भी पैसे तब भी लगने हैं और अब भी लगने हैं, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना करवा ली जाए। एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, बाहर अपना फोन दियो। अरे दे तो सही, एक चीज दिखाता हूँ। काला खोल मत ना मेरे हाथ में, तो दिखा। अरे मैं बता तो रहा हूँ, एक मिनट दिखा। पूरा फुल पैकेट बैटन लगा रखा है, बदिया बंदियों से चैटिंग कर रहा होता है। अपना टैलेंट दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, ये देखो, ये है 27 फरवरी 2020 कोरोना का टाइम, ये देखो। देखा तुम्हारे भाई का टैलेंट, तुम्हारे भाई के अंदर भी टैलेंट कूट कूट के भर रखा है हनुमान जी ने, मतलब कि तुम्हारा भाई था बीट बॉक्सर। अब मैं तुमको एक बार की कहानी सुनाता हूँ। मैं था शायद 9th क्लास में एंड मैं जाता था म्यूजिक रूम 9th क्लास में अपनी मैथ्स की क्लास या फिर SST की क्लास बंक करने के लिए। मेरे भाई टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस थे, सॉरी टीचर अगर देख रहे हो तो मेरे टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस थे। मरे थोड़ी है वो, ऐसा क्या करता है, क्या नहीं है, मरे थोड़ी है वो। अरे भाई एक सेकंड रुक जा, अबे छोड़ना मेरे को दिखा। हाँ फिर वहाँ पे गया था मैं, म्यूजिक रूम में गया था, म्यूजिक रूम में गया, वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स के टीचर बैठ रखे थे। अब भाई मैं बैठा, मेरे को आती थी उस समय बीट बॉक्सिंग एंड बच्चे, और उस टाइम सन्नाटा छा रखा था म्यूजिक रूम में। एक बच्चे ने आकर बोल, एक बच्चे ने बोल दिया रियान बीट बॉक्सिंग कर। अब भाई सर को लगा, स्पोर्ट्स वाले सर को कि ये क्या कह रहा है, बुलाया मेरे को इधर आओ। भाई मेरी फट गई, मेरे को लगा पता नहीं क्या कह रहे। अब मैं गया वहाँ पे सर कहते ले माइक क्या कर रहा है, तो तुम्हारा भाई वहाँ गया, माइक पकड़ा, तुम्हारे भाई ने कर दी बीट बॉक्सिंग चालू। ओ भाई जो बच्चे पागल हुए वहाँ पे, चोर मचिया म्यूजिक रूम में भाई रियान। तो गाइस सर्विस इज डन, ये रहा हमारा कैमरा शॉट एंड अभी टोटल 1824 यानी कि 1824 रुपये एंड पूरा का पूरा बाइक में ऑयल फिल्टर वगैरह जो भी 2-3 चीज़ें होती है वो चेंज हुए एंड मोबाइल ऑयल चेंज हुए। हाँ यार पुराना मोबाइल ऑयल मेरे को लेना था, वो पुराना मोबाइल ऑयल ले इसको बोलते किसी पन्नी में दे देगा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, सर्विस पूरी डन हो चुकी है एंड अभी तुम्हारा भाई एक टेस्ट राइड लेके आता है, ज़रा देखते हैं। एयर फिल्टर वगैरह चेंज हुआ है, कह रहा था थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है पुराने एयर फिल्टर के मुकाबले।
ओ थोड़ा सा पावर में इंक्रीमेंट तो लग ही रहा है यार, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। देखो अंकल जी का रिएक्शन कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, मैं कह रहा हूँ कैसी लग रही है, ठीक है, सही है, बढ़िया ना। अंकल जी खुश हो गए पूरे। तो पूरे 1800-1400 रुपये का खर्चा करके हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर को। अभी ना भाई हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग जाएंगे ट्रैम्प के शोरूम में एंड वहाँ जाके पूछेंगे स्ट्रीट ट्रिपल। हालांकि भाई लेना वेना कुछ नहीं है हमको, ऐसे ही फुल बकलोली करने के लिए जाएंगे वहाँ। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रैम्प के शोरूम। आपके पास स्ट्रीट ट्रिपल अवेलेबल नहीं है क्या अभी? स्ट्रीट ट्रिपल अगर स्ट्रीट ट्रिपल मंगवाए तो आ जाएगी। ऑन रोड कितने की मिलेगी वो? ओके बात ऐसे करो कि लोगों को लगे कि हम बाइकें खरीदने आए हैं। अभी अभी खरीदे KTM। पर भाई जय श्री राम, एक दिन हम भी ऐसे कावासाकी के शोरूम जाके टैनर खरीद के लेके आएंगे। अभी चलते हैं घर। अभी ना मैं ट्रैम्प के शोरूम से घर आया हूँ एंड मैं अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो के ना कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, मतलब कि जो मैंने फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग बनाया था। एंड यार इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं ना यार तुम लोगों के, इतने प्यारे क्या ही बताऊँ। देखो यार यू डिजर्व इट ब्रो, कॉन्ग्रेट्स भाई, मतलब इतने प्यारे कमेंट्स, लव यू गाइस। मतलब मेरा ना सबसे सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम यही होता है YouTube स्टूडियो खोल के आप लोगों के कमेंट्स चेक करना। एंड यार ऐसे कमेंट्स करते रहा करो, तुम्हारा भाई बहुत मोटिवेट होता है इससे। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग में एंड उस वाले व्लॉग में एक तगड़ा वाला सरप्राइज है, यानी कि सुपर बाइक से रिलेटेड है। अब वो क्या सरप्राइज है उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग देखना पड़ेगा, जिसके लिए सब्सक्राइब कर दो।